अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मंगोलिया यात्रा से लौटने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की है। कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी लोग स्पीकर बिरला से मिलने पहुंचे। बिरला ने बारी बारी से सभी से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्पीकर ओम बिरला जनता दरबार लगाया गया, आमजन की समस्या सुनी। कोटा बूंदी के दौरे पर कैंप कार्यालय में स्पीकर ओम बिरला ने जन सुनवाई कार्यक्रम किया। तो जनता दरबार लगाया गया, बड़ी संख्या में ओम बिरला से मिलने के लिए लोग पहुंचे, उनका स्वागत किया गया और अपनी समस्याओं को लेकर लोग इस जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे। आमजनों की समस्या सुनने के बाद उनके समाधान के दिशा निर्देश भी स्पीकर ओम बिरला ने दिए हैं। चूंकि कोटा स्पीकर ओम बिरला की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसे में लगातार कोटा बूंदी दौरे पर स्पीकर ओम बिरला रहते हैं और इसी तरीके से जन सुनवाई कार्यक्रम कर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा लोकसभा क्षेत्र है, लोगों की उम्मीदें भी रहनी चाहिए, आकांक्षाएं भी रहनी चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि उनकी उम्मीदें उनकी आकांक्षाओं के अनुसार प्रयास करें। कुछ चीज़ों में परिणाम आते हैं, कुछ में समय लगता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते लगातार प्रयास करना, समस्याओं के लिए लगातार जानकारी प्राप्त करना, उसका फॉलोअप करना और कैसे उसकी समस्या का समाधान हो सकता है उसके